वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। फाइनली आई एम बैक विद अनदर फ्रेश एपिसोड। दोस्तों, फ्लाइट की जब आप टिकट बुकिंग कर रहे होते हो तो वहां पे तो जो है आपको सीट सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो है इंटरनल चार्ट जो होता है फ्लाइट का, उसमें देख सकते हो कि कौन सी सीट जो है बुक्ड है, कौन सी वेकेंट है और कौन सी रिजर्व है। इंडियन रेलवे भी जो है आप सबके लिए ऑप्शन जो है लेकर आ चुके हैं। रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई थी कि जो चार्ट प्रिपेयर होता है इंडियन रेलवे का, अब वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और आप जो है अपनी सीट का सिलेक्शन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी और आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पर भी। तो बने रहिए मेरे साथ, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ट्रैवल ट्रिक्स और मैं हूं आपका अपना ऑनलाइन ट्रैवल गाइड चमन भाटिया। दोस्तों, ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले जो है इंडियन रेलवे चार्ट पब्लिकली करती है। चार्ट आपको पता होगा, उसमें जो है डिटेल्स होती हैं कि कौन सा पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, उसकी एज कितनी है, मेल है या फीमेल है, उनका सीट नंबर कंफर्म है या फिर वेटिंग पर है। ये चार्ट जो है बेसिकली आपने देखा होगा बहुत बारी ट्रेन के बाहर जो है चिपका दिया जाता है या तो फिर एक बोर्ड लगा होता है वहाँ पर जो है लगा होता है। अब ये चार्ट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। आपको याद होगा कि अगर आपको जो है कोई सीट चाहिए होती थी, आपको जो है टीटी के पीछे भागना पड़ता था, सर कौन सी सीट खाली है, कौन सी सीट खाली है, और उसको भी जो है पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ती थी टीटी को कि हाँ अच्छा इस कोच में इस बर्थ पे ये वाली सीट जो है खाली है। तो अब ये चार्ट जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है। आप इसको जो है वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन पर भी चेक कर सकते हो और अपनी सीट का सिलेक्शन अब जो है आप अपने आप कर सकते हो। जैसे ही चार्ट जो है लॉन्च होता है ट्रेन के चलने से 4 घंटे पहले, आप जो है डिटेल्स चेक कर सकते हो वेबसाइट पे भी और एप्लीकेशन पे भी। एक नया ऑप्शन जो है ऐड कर दिया गया है जिसको कहा जाता है चार्ट वैकेंसी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे जो है आपको ट्रेन नंबर डालना है, डेट और उसके बाद जो है कहाँ से आपको टिकट चाहिए, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है फाइंड सीट पे क्लिक। जैसे ही आप जो है फाइंड सीट पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक चार्ट प्रॉपर तरीके से, जैसे एयरलाइन का चार्ट होता है सीट्स के साथ, उसी तरीके से जो आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको पता होगा कि ट्रेन में जो है क्लासेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्लीपर क्लास भी होता है, AC 3 होता है, AC 2 होता है, तो हर कैटेगरी को जो है इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है। तो आप अगर AC 3 में देखना चाहते हैं AC 3 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो डिटेल्स आएंगी वो प्रॉपर आएगी कि कौन से कोच में कौन से बर्थ वाली सीट जो है अवेलेबल है, और अगर आपको वो पर्टिकुलर सीट चाहिए तो आप जो है TT से कांटेक्ट करके उसको स्ट्रेट अवे बोल सकते हो कि मेरे को जो है ये वाली सीट चाहिए। अब आपको जो है यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। हालांकि मैं बोलूँगा कि ये अभी शुरुआत है, धीरे धीरे मैं तो यही सोचता हूँ कि जो भी ट्रेन की टिकट की बुकिंग हो वो प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन ही हो जानी चाहिए, और ऑनलाइन के साथ साथ जो है वहाँ पे जो है हमें डायरेक्ट सीट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि जैसे हम फ्लाइट की टिकट की बुकिंग करते हैं वैसे जो है हमें ट्रेन में भी जो है सीट सिलेक्शन का ऑप्शन जो है बुकिंग के टाइम में मिलना चाहिए, ना कि चार्ट प्रिपेयर होने के बाद। तो चलिए, ये तो अभी शुरुआत है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है ऐड कर दिया है इंडियन रेलवे ने। अगर आप जो है ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो है पता होना चाहिए कि अब जो है आप अपनी सीट को चूज कर सकते हैं चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद भी। चार्ट बेसिकली 2 प्रिपेयर होते हैं, एक तो ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले और एक होता है ट्रेन चलने से आधा घंटा पहले। अगर जो है आपकी जो ट्रेन है वो आप मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं और इंटरमीडिएट जो कोई स्टेशन आता है आप वहाँ से भी जो है चेक करना चाहते हैं, वो भी डिटेल्स जो है अवेलेबल रहेंगी। मोबाइल पे भी है, एप्लीकेशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है वेबसाइट पे भी है। तो दोस्तों, यही थी आज की एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आप सबको देनी थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसको शेयर कर सकते हैं और अगर आप जो है ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है आप सबके लिए ऐड हो चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, साथ में एक बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। उससे होगा कि मेरे जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सकेगी सबसे पहले। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पे भी जो है मैं कुछ ना कुछ कमाल के अपडेट्स जो है देता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपने अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।